ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से 31 जनवरी 2021 तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है और नए वर्ष की शुरुआत का पहला महीना तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह से बदलाव लेकर आएगा, चलिए जानते हैं इस नए वर्ष की शुरुआत आपके लिए कैसी रहेगी, क्या खास आपके लिए होने वाला है, ग्रह नक्षत्रों का जो साथ होगा वो आपके कार्य क्षेत्र में किस तरह के बदलाव लेकर आएगा, आपके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। आपके करियर के बारे में, आपके प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहां पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक जरूर कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। मित्रों, वर्ष 2021 जनवरी के तुला राशि फल के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। साल की शुरुआत होने वाली है, तुला राशि के जातकों के लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि का चिन्ह आपने देखा है जो एक तराजू लिए हुए व्यक्ति खड़ा हुआ है, और ये जो तराजू है ये इस राशि के लिए इस चीज़ का संबोधन करता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्व रखता है, यानी जीवन में संतुलन और बुद्धिमत्ता के लिए ये राशि मानी जाती है। सब कुछ बैलेंस करके चलती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, प्यार हो, प्रेम जीवन हो, नौकरी हो, करियर हो, कोई भी रिश्ता हो, हर चीज़ में संतुलन बनाकर रखते हैं। देखिए, वैसे भी शुक्रदेव इस राशि के स्वामी हैं तो शुक्रदेव की ये राशि है, और शुक्र जो हैं वो प्रेम के कारक ग्रह हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं, सुख के कारक ग्रह, सभी सुख सुविधाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अब जो ये 2021 का पहला महीना है ये क्या खास आपके लिए लेकर आया है, क्या नया परिवर्तन आपकी दिनचर्या में देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र, आपके करियर की, करियर के लिहाज से, कार्य क्षेत्र के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से कैसे आपके लिए शुरुआत होगी। आपके अपने काम के प्रति जो आपका उत्साह होगा, जो समर्पण होगा, बड़ा ज़बरदस्त सफलता दिलाने वाला साबित होगा। नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ेंगे, नई दिशाओं की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, ऐसा ही समय होगा। साथ ही इस महीने चाहे कुछ भी हो लेकिन यहाँ आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी और अनुकूल परिणाम भी प्रदान करेगी, क्योंकि देखिए बृहस्पति देव जो हैं वो इस समय मकर राशि में विराजमान हैं, जिनको शनि का घर कहा जाता है, और ये जो शनि के साथ गुरु की स्थिति होगी इस बात को दिखाती है कि तुला राशि के लोग अगर किसी कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी स्पोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं या अगर आप विद्यार्थी हैं प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस दौरान शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस राशि के जो जातक किसी कलात्मक फील्ड से जुड़े हैं या आप ऐसी गतिविधियों से जैसे कि किसान हैं या फिर आप किसी तरह का जमीनी काम करते हैं, कृषि व्यापार से जुड़े हैं या फिर पत्रकारिता के काम से आप जुड़े हैं, विज्ञापन के काम से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत बड़ी शानदार होगी। कुल मिलाकर शानदार महीना आपके लिए ये कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर आप तुला राशि के जातक फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल होगा। यहाँ कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाह सकते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए भी बड़ा शुभ समय रहेगा। इस वर्ष आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे, ऐसा ही समय होगा। देखिए, साल 2021 की शुरुआत ही आपके लिए एक बम्पर धमाके से कम नहीं है। बड़े ही शुभ योग आपके लिए पहले महीने में ही बन रहे हैं और बड़े ही सकारात्मक परिणाम इस जनवरी माह में आपको अपने हर चीज़ में देखने को मिलेंगे। बड़े प्रबल योग बने हुए हैं। मित्रों, यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल रुक जाएं, क्योंकि नौकरी बदलने के लिए समय अच्छा नहीं है। तो इस महीने आप नौकरी परिवर्तन के बारे में बिल्कुल भी विचार ना करें। हालाँकि जो मौजूदा नौकरी है उसमें पदोन्नति ज़रूर हो सकती है। इसके अलावा बिजनेस में ज़बरदस्त इजाफा आपको देखने को मिलेगा, आपके काम में गति बढ़ेगी,
अपनी ऊर्जा से हर काम को आप पूरा करते हुए नजर आएंगे और अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये महीना करियर के लिहाज से बेहद शुभ बना हुआ है, बेहद अनुकूल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन की, आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, इसके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। आप इस महीने में किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं या नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बाकी व्यापारिक क्षेत्र वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ जो कृषि भूमि होती है, ऐसी ज़मीन यदि आप इस महीने ऐसी ज़मीन में निवेश करते हैं तो इसमें आपको बड़ा अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। देखिए, क्योंकि शनि आपकी राशि के चौथे भाव में है, जो आप इस समय पूरे महीने आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। यदि कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी आर्थिक स्थिति अब आपकी पहले से अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड में भी लंबे वर्षों के बाद आपको काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए विचार बना रहे हैं तो ये महीना बड़ा अच्छा रहेगा। बात करें अगर आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की, दांपत्य जीवन की, तो देखिए प्रेम जीवन के लिहाज से ये समय काफ़ी अनुकूल है। प्रेम जीवन में खुशी आएंगी, आपके पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा, दोनों का रिश्ता काफ़ी मजबूत रहेगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, सारी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस दौरान पार्टनर के साथ खूबसूरत रिश्ते को खुद इतना अच्छा समर्थन मिलेगा, परिवार वालों से भी समर्थन मिलेगा, परिवार में भी खुशनुमा माहौल रहेगा। देखिए, यदि आप सिंगल हैं, पार्टनर की तलाश में हैं, तो इस महीने में कोई व्यक्ति आपका साथ दे सकता है। बाकी बृहस्पति ग्रह प्रेम के घर के स्वामी शनि के साथ हैं, जो आपके रिश्ते को शादी के बंधन में तब्दील कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपने पार्टनर को घर वालों से मिलाना चाहते हैं, लव रिलेशन में हैं, तो उसके लिए ये महीना बड़ा अनुकूल है। आपके रिश्ते को परिवार वालों की रजामंदी इस समय मिल सकती है, आपका काम बन सकता है, आपको परिवार का आशीर्वाद मिल सकता है। तो प्रेम जीवन के लिहाज से समय काफ़ी अनुकूल है। आपके रिश्तों को यहाँ पर एक नई मजबूती मिल सकती है, परिवार का आशीर्वाद मिल सकता है। हालांकि इस राशि के जो शादीशुदा लोग हैं उनकी इस महीने के बीच में कुछ खटपट हो सकती है, उतार चढ़ाव की स्थितियां रह सकती हैं, क्योंकि विवाह के घर में मंगल की मौजूदगी अनचाही लड़ाइयों को जन्म दे सकती है। तो इसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, अपने रिश्तों को आपको यहाँ पर बड़े संयम से आपको लेकर चलना है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों को आप एक अच्छे साथ बॉन्ड करके चलें। यदि बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन आपका बड़ा अच्छा रहेगा। परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ बड़ा अच्छा तालमेल इस समय आप बिठा पाएंगे। चलिए बताते हैं एक विशेष उपाय इस महीने, ये उपाय आप जरूर करें। हर शनिवार को गुड़ का दान करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।